नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी के करहल थाना इलाके की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी ने 4 अप्रैल को दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट की थी, जिसमें इलाके के 3 आरोपियों के नाम प्रकाश में आए थे, जिनमें से 2 आरोपियों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन एक गीतम सिंह नाम का शातिर लुटेरा फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जिसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और लिखा पढ़ी के बाद जेल भेज दिया है। सर, एक 15,000 का इनाम पकड़ा गया है, किन आपराधिक वारदातों में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा, किस तरीके से गिरफ्तारी? 4 अप्रैल 2018 को राजेंद्र पार्टी 2 लाख रुपये निकाल करके स्टेट बैंक से अपने गांव के किटुआ जा रहे थे, तो सैफी बाईपास पर करहल में 3 लोगों ने उनको रोक करके मारपीट करके 2 लाख रुपये छीन लिए थे। उसमें 3 लोग प्रकाश में आए थे, गीतम, गौरव और अनुज। तो गौरव अनुज दोनों जीत जा चुके हैं और ये फरार चल रहा था, इस पर 15 का इनाम घोषित किया गया था। आज इसको गिरफ्तार किया गया है और ये सातर लुटेरे हैं और ये लगातार बात कर रहे थे, बड़ी मुश्किल पकड़ में आए हैं और ये पहली बार जेल जा रहा है, लेकिन इस घटना पहले कई घटना की इसको कबूल किया। वहीं प्रदेश में बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद गौ भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि गौ भक्तों को लगा था कि अब प्रदेश में गौ हत्या और गौशालाओं के दिन सुधर जाएंगे। लेकिन 18 महीने बीतने के बाद भी प्रदेश में गौशालाओं के दिन तो नहीं सुधरे, लेकिन हालात बद से बदतर जरूर हो गए। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से सटे जनपद मऊ में गौशाला बदहाल पड़े हैं। जनपद में 2 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, जहां पशुओं को चारे के संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहां के प्रबंधकों की माने तो योगी सरकार में 18 महीने से उन्हें कोई अनुदान नहीं मिला है, जिसकी वजह से कई गायें भुखमरी के कगार पर पहुंच चुकी हैं। हालात तो इससे भी बुरे हो चुके हैं। गौशालाओं की गायें चारा ना मिलने से और बेहतर मेडिकल उपचार नहीं मिलने से मर भी चुकी हैं। गौशाला में गायों की देखरेख करने वाले गणेश शर्मा ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलने से गायों की देखभाल ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। वो सालों से लोगों से चंदा मांगकर गायों की देखरेख कर रहे हैं। वहीं इस बारे में जब मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने गौशाला संचालकों पर ही ठीकरा फोड़ते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि कल जिलाधिकारी से बात करके यहां के सभी लापरवाह अधिकारियों की लापरवाही के बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें अवगत कराया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं कासगंज जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद में किए जा रहे विकास कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा लेकर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि राम मंदिर कब बनाया जाएगा तो वो इस मामले को कोर्ट का मामला बताकर खिसक लिए। वहीं बागपत के खेकड़ा थाना इलाके से गायब 2 बच्चों में से एक बच्चे को थाना पुलिस ने बागपत के रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया है, जबकि दूसरा बच्चा अभी भी लापता है, जिसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दूसरा बच्चा दिल्ली से गायब हुआ था, जहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि बच्चों के गायब होने का मामला बागपत जनपद के खेकड़ा कस्बे का है, जहां पर बच्चों के गुम होने के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं। कुछ ही दिनों पूर्व एक 10 साल की बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। वहीं 3 दिन पहले एक 10 साल का छात्र और गायब हो गया, जिसको लेकर कस्बे के लोगों में आक्रोश बना हुआ था। उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर बच्चा जल्द ही बरामद नहीं किया गया तो खेकड़ा थाना के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कैसे गए है तुम स्टेशन पर, घर से कैसे निकल गए? तुम्हें पता नहीं कैसे गए, किसके साथ खेल रहे स्टेशन पर? खेलना तो किसी के साथ नहीं। अकेले ही गए? कहाँ रहे रात को? रेलवे स्टेशन पर। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली तक फिर बागपत कैसे पहुंचे? दिल्ली तक फिर कल शाम को। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए लाइव खबर।